उत्सव में आया हूँ। सबको छठ मैया की सबको शुभकामना देता हूँ और आने वाले टाइम पे हम लोग अच्छे काम करेंगे। और जो हमारे 5 गारंटी है उसमें सबसे ज़्यादा 2 गारंटी बताऊँ कि महिलाओं के खाते में 3000 रुपये आएंगे और सभी महिलाओं को बस का बीएच का फ्री होएगा। सबसे पहले सभी छठ व्रतों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हम पिछले 14 वर्ष से छठ पूजा कर रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ष उसके पहले 2022 तक हमने महाराणा प्रताप उद्यान में किया था, लेकिन 2023 में यहाँ के स्थानीय कामदार ने हमारा परमिशन कैंसिल करवा के राजपथ सेवा मंडल का परमिशन कैंसिल करवाया और यहाँ पे किया। इस साल भी हमारा परमिशन कैंसिल किया गया है। इस साल भी हमने वहाँ के मांग किया था, लेकिन हमारा परमिशन कैंसिल करके हम यहाँ के किए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि छठ व्रती कितने आए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चालू है। कहावत है, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा का मुझे जिसे रोशन खुदा करे। छठ मैया का आशीर्वाद है, उन्होंने हमारा प्रोग्राम कैंसिल करना चाहा, उनकी इच्छा थी कि हम कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन छठ मैया के आशीर्वाद से उससे भी भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है और आपके सामने प्रमाण प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक कहना चाहता हूँ, आप कितना भी हमें परेशान करो, हम हार मारने वाले नहीं हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सभी छठ व्रतियों को कहना चाहता हूँ, जब तक रहेंगे इस जीवन में तब तक छठ पूजा का कार्यक्रम करते रहेंगे छठ मैया के आशीर्वाद से। यहाँ पर छठ पूजा के लिए दीपावली के दूसरे दिन से हम तैयारी करना चालू करते हैं। आर्टिफिशियल 7 पौंड बनाए हैं, हम मिट्टी ला के यहाँ पे गिराते हैं, जो वेदी बनाते हैं करीब 800 से 900 वेदी यहाँ पे बनी हुई है और सभी लोगों को पानी की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सुबह जो अर्घ देते हैं उसमें दूध की व्यवस्था फ्री की गई है। साथ ही साथ हमारे कुछ कार्यकर्ता जैसे हरिशंकर भाई यहाँ पे पिछले कई वर्षों से चाय की फ्री सेवा देते हैं, कुछ लोग प्रसाद बांट रहे, कुछ लोग सुबह पानी बांटेंगे, दूध अपने तरफ से दिया जाए, इस तरीके से सारे की सुविधा रहती है। हर जगह हमारे महिला सुरक्षा कर्मी रहते हैं, हमारे मंडल के रहते हैं कि किसी को नहीं हो। इसके पीछे हमने चेंजिंग रूम बनाए, जैसे माताएं बहनें अर्घ देती हैं फिर उनको कपड़ा चेंज करने की बात आती है, तो उस कपड़ा चेंज करने के लिए यहाँ पे हमने चेंजिंग रूम बनाया है। इस तरीके से हम सारी सुविधा देते हैं, टॉयलेट वगैरह की सभी चीज़ की सुविधा। रात में यहाँ करीब 40 से 50 लोग रुकते हैं जिनके हम पूरा सुरक्षा का ध्यान देते हैं, हमारे कार्यकर्ता उनके लिए लगे रहते हैं, जो भी उनको तकलीफ आराम हो वो सारी सुविधाएं हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। विरोध नहीं किया है, ये जो आज तक झूठे नैरेटिव फैलाने का काम करती है महायुति की सरकार, जो 15 लाख रुपया देने का वादा किए थे, जो बोले थे कि जहाँ किसानों का कर्ज माफ करेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बोलते हो कि मस्सी करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उनको आप रोजगार देने का काम कब करेंगे, हमारी बेटियों को फ्री एजुकेशन देने का बात काम कब करेंगे, हमारी बेटियों को पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज में शिक्षा फ्री देने का काम कब करेंगे। आप 1500 रुपया दे रहे, 1500 रुपये में एक महीने का खाना भी नहीं मिलता है आज के ज़माने में, मिनिमम लाइट बिल 500 से 600 आती है। कल महायुति महाविकास आघाड़ी में हमने कहा है 3000 रुपये कम से कम एक आदमी भर पेट खा ले, किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात की गई है, ये सारी योजनाएं हैं। विरोध का इसका प्रोविजन कहाँ उन्होंने बनाया, आनंद फानंद में जब कर्नाटक में चुनाव हारे और उन्होंने डिक्लेयर किया, उस पैसे का प्रोविजन बजट में नहीं बनाया, उस पैसे का हेड ओपन नहीं किए, तो देंगे कहाँ से पैसा, हमारा सवाल ये था। आपने कहा 1500 रुपये में महिलाओं को कोई मदद नहीं होगी, तो क्या लगता है 3000 में महिलाओं की मदद हो जाएगी? आज सिंगल आदमी मैं एकदम प्रैक्टिकल बोलता हूँ, दाल चावल सब्जी रोटियाँ, एक टाइम दाल चावल खाए, एक टाइम भाजी रोटी खाए, 4 से 5 हज़ार रुपया जाता है, कम से कम 3000 रुपये में तो होगा, 1500 रुपये में तो कुछ भी नहीं होगा, नाम होगा खाली। मैं सभी को सबसे पहले छठी मैया की जय का सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। ये छठी मैया का बड़ा पर्व है,
जिसमें छठी मैया ने हमारे और हमारे पूरे परिवार और हमारे मेरे विभाग कांदिवली विभाग असेंबली सभी को आशीर्वाद दिया है। हम हर साल इसी तरह बड़े पैमाने में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में छठी मैया का इस पर्व को बहुत ही खूबसूरत तरह से मनाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कांदिवली एक ऐसी जगह है जहाँ छठी मैया हम सबके दिल में बस गई हैं, हम सभी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि इसके पहले जू के अलावा हमारे यहाँ हमारे इलाके में कोई छठी मैया का ये पर्व नहीं मनाता था। लेकिन इसकी शुरुआत मेरे पतिदेव आदरणीय राजपत यादव जी राजपति यादव मंडल के द्वारा की थी और आज इनको 14वां साल है जहाँ आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने में पूरी कांदिवली विभाग के चाहे वो हनुमान नगर हो दामू नगर हो क्रांति नगर हो सिंह स्टेट हो सभी महिलाएं इस पर्व को मनाने के लिए बड़ी खुशी से यहाँ आती है। उनकी जो सुविधा उनको मिल रही है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, बिकॉज इसके पहले उनको लंबा जू जाना पड़ता था। जू जाने के लिए महिलाएं बहुत तकलीफ़ पूरी रात तकलीफ़ सहन करती थी, खुले में कहीं कोई उनको बैठने की सुविधा नहीं थी और खुले आसमान के नीचे पूरी रात गुजारना महिला के लिए इतना संभव नहीं था। इसी चीज़ को लेके मैंने मैया छठी मैया से प्रार्थना की और उनके लिए मैंने ये आयोजन किया और आज तक ये आयोजन हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा लोगों का यहाँ पे एंटरटेनमेंट हो रहा है, महिलाएँ बड़े प्यार से आती हैं, छठी मैया सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं और फिर कल सुबह यही आप दौर फिर सवेरे देखते हैं, यही गर्दी यही समा यही प्यार मोहब्बत प्रेम जो हम एक दूसरे को बांट रहे हैं छठी मैया के द्वारा, इसी का हम पर्व मनाते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज छठी मैया का पर्व है। छठी मैया को ही पता कि अगली हमने महाराणा प्रताप 13 साल पहले मैं नगर सेविका जब थी तो मैंने महाराणा प्रताप में पक्के पॉन्ड्स बनाए जिसमें अपने फंड से मैंने 7 पॉन्ड्स बनाए, लेकिन अगले साल स्थानीय आमदार अतुल भातरकर ने हमारी महिलाओं पे अन्याय किया है, हमारी महिलाओं को महाराणा प्रताप में छठी मैया का पर्व मनाने नहीं दिया, हमारी आई हुई परमिशन को कैंसिल किया। मैं छठी मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि इसका फल उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। इलेक्शन तो अभी 20 नवंबर को ही है, अतुल भातरकर ने जो महिलाओं पे अन्याय किया है जो लोगों पे अन्याय किया है ये जनता नहीं भूलेगी, जनता इसका सबक ज़रूर ले। बिल्कुल, हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का कल ही कार्यक्रम बीकेसी में था जिसमें हमारे खड़गे जी भी आए थे, हमारी आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ उद्धव जी ठाकरे सभी महाविकास आगरी के सभी नेतागण थे और आज ही हमें ये पता चला है कि जो मैनिफेस्टो उन्होंने अनाउंस किया है जिसमें 3000 महीना महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को मिलेगा और 4000 महीना बेरोजगार बच्चों को मिलेगा जो जिनके पास नौकरी नहीं है ऐसे युवाओं को मिलेगा, उसी तरह 2.5 लाख का आरोग्य बीमा हर परिवार को मिलेगा और जितना हो सके मैं कांग्रेस पार्टी हमारी महाराष्ट्र सरकार आने के बाद महा विकास आघाड़ी आने के बाद जितना हो सके मदद हमारे किसानों को भी देगी, उनको 3 लाख के ऊपर कर्जा माफ़ किया जाएगा। तो ये योजना जो मैनिफेस्टो के द्वारा राहुल गांधी और महाविकास आघाड़ी सरकार ने यहाँ पे सभी को एक सौगात दिया है, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बहुत फ़ायदा होगा। जनता चाहती है कि महंगाई दूर हो, आप महिलाओं से पूछ लीजिए किस तरीके से सिलेंडर का भाव जो सोनिया गांधी यूपीए सरकार के समय में 350 रुपये था, 90 रुपये सब्सिडी आता था, आज सब्सिडी बंद हो गई है, सही है कि नहीं, 1000 के ऊपर सिलेंडर हो चुका है,
इसी तरह महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है हमारे बीच, अभी अभी मणिपुर की महिला आके गई हैं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की ऑफिस बेरर, वो बता रही थी कि मणिपुर को मोदी ने ख़त्म कर दिया है। उसने बोला है कि जिस तरीके से मणिपुर को मोदी ने ख़त्म किया है, आप महाराष्ट्र को ख़त्म होने मत देना, मत दीजिए ऐसे इंसान को वोट जिसको महिला को सम्मान देना नहीं आता है। महिला पे जो अत्याचार रोज़ होता है, आपको पता ही, हर दिन 7 रेप्स होते हैं हमारे देश में, और इसका कोई भी यहाँ पे शिकंजा नहीं होता है, कोई महिला किसी पे एक्शन नहीं होता है। तो उस तरीके से बेरोजगारी की मार, 2 करोड़ नौकरियों का वादा उन्होंने किया, वो भी हमें को नहीं मिली, 15 लाख हर एक के बैंक अकाउंट में आएगा, वो भी नहीं मिला। और लाडली बहन योजना का क्या, वो कहते हैं हमारे ही पैसा हमको दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने लाडली बहन योजना लाए, उसके दूसरे दिन से ही तेल का भाव बढ़ा दिया, उसके दूसरे दिन से ही धान्य का भाव बढ़ा दिया, रवा का भाव बढ़ा दिया, बेसन का भाव बढ़ा दिया। लोगों ने दिवाली मनाई नहीं, दिवाली हमारे को लगी नहीं। तो महिलाएं इसका जवाब आने वाले समय में भाजपा सरकार को देगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये मुझे पूरा यकीन है, मैं यकीन से कह सकता हूँ।